हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्लास सेकेंड सब्जेक्ट SST चैप्टर 4 क्लॉथ्स वी वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं आज उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानते हैं। आइए चैप्टर रीड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स और ड्रेसेज अकॉर्डिंग सीजन स्पेशल डेज जॉब वर्क्स एंड अदर ओकेजन्स। डिफरेंट टाइप के पीपल और डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स ड्रेस वे सीजन स्पेशल डे जॉब के अकॉर्डिंग पहनते हैं या किसी फेस्टिवल पे। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स हमारे बॉडी को कवर करके रखते हैं। क्लॉथ्स वेयर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन हीट कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स हमारे बॉडी को रेन हीट कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ्स कुड बी अकॉर्डिंग टू द वेदर स्पेशल डे और द वर्क वी डू लेट अस रीच सम सच क्लॉथ्स। वेदर स्पेशल डे और वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स के नेम दिए गए हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है द क्लॉथ्स ऑफ द फायर फाइटर प्रोटेक्ट हिम। क्लॉथ्स एक फायर फाइटर को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है ए ब्राइड एंड ग्रूम वियर स्पेशल ड्रेसेज। एक ब्राइड और ग्रूम स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। थर्ड है इस शेफ वेयर्स क्लीन क्लॉथ्स एंड एन एप्रॉन। एक शेफ एक क्लीन क्लॉथ्स को पहनता है। फोर्थ द क्लॉथ्स ऑफ ए स्कूबा डाइवर हेल्प हिम टू रिमेन अंडर वाटर। स्कूबा डाइवर पानी के अंदर रहने के लिए क्लॉथ्स को उसी टाइप्स के क्लॉथ्स पहनता है जिससे वो सेफ रहे। फाइव है ए डांसर वियर्स ए स्पेशल ड्रेसेज। और एक डांसर स्पेशल ड्रेस पहनती है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के लोग और डिफरेंट काइंड्स के ड्रेस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम है, यहाँ पे शेफ है, फायर फाइटर, डांसर, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स दिए गए हैं। अब हम पेज नंबर 27 पे आते हैं। वेयर डू वी गेट क्लॉथ्स फ्रॉम। जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वे हमें कहाँ से मिलते हैं आइए जानते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन सिल्क एंड वूल। क्लॉथ्स डिफरेंट मटेरियल से मिले होते हैं, कौन कौन से, कॉटन सिल्क एंड वूल। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन क्लॉथ्स मिलते हैं जिसे हम समर सीजन में यूज करते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। वूलन क्लॉथ्स हम विंटर सीजन में यूज करते हैं। वूल कम्स फ्रॉम फ्लीस। ये हमें फ्लीस से मिलता है, वूल हमें फ्लीस से मिलता है। फ्लीस इज द वूली हियर शीप हैव ऑन देयर बॉडीज। और फ्लीस हमें शीप के हेयर से वूली मिलते हैं। वूल आल्सो कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल्स एंड रैबिट्स। और ये कैमल एंड रैबिट्स के हेयर से भी बनते हैं। सिल्क थ्रेड कम्स फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क वार्म्स। सिल्क वार्म्स आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स। सिल्क वार्म सिल्क का थ्रेड जो होता है वे सिल्क वार्म्स के कोकोन से मिलता है। सिल्क वार्म्स कहाँ मिलते हैं, मलबेरी लीव्स पे मिलते हैं। वी कैन आल्सो मेड सम क्लॉथ मटेरियल्स। इन सारे क्लॉथ्स के मटेरियल्स को मिक्स करके क्लॉथ्स बनते हैं। कॉटन मिक्सड विथ ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक नायलॉन और सिल्क मिक्सड विथ नायलॉन थ्रेड आर सम एग्जांपल्स। कॉटन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिल्क के थ्रेड मिक्स करके बनता है जिससे क्या बनता है, नायलॉन बनता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। हियर आर सम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लॉथ्स। यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग और डिफरेंट स्टाइल्स के क्लॉथ्स पहने हैं। यहाँ पे देखिए पीपल फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया का ड्रेस है। पीपल फ्रॉम जापान, और ये जापान के ड्रेस पहने हैं लोग, ये जापान कंट्री से हैं लोग। पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटलैंड के कंट्री से हैं लोग, ये वहाँ के ड्रेस पहने हैं लोग। पीपल फ्रॉम ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड कंट्री से हैं लोग, वहाँ के ड्रेस पहने हैं लोग। अब हम पेज नंबर 28 पे आते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। दिस इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर यूनिफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए पुलिसमैन। पीपल अपने वर्क के अकॉर्डिंग
स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं और उस क्लॉथ्स को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में दिए गए हैं, डॉक्टर के यूनिफॉर्म दिए गए हैं, पुलिसमैन के दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर, पुलिसमैन, जज, पोस्टमैन, नर्स, एस्ट्रोनॉट, ड्राइवर, सेलर, यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स दिए गए हैं, जिसका जो वर्क है वैसे वो यूनिफॉर्म पहने हैं। वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स क्लीन एंड वॉश देम रेगुलरली। हमें अपने यूनिफॉर्म को रेगुलर क्लीन और वॉश करना चाहिए। आवर लिविंग एंड वियरिंग स्टाइल प्लेज ए ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म हमारे लाइफ में, इसे पहनने से एक हमारे लाइफ में एक ब्रूट रेल ग्रेट रोल प्राप्त होता है। ए वेल ड्रेस्ड पर्सन ऑलवेज लुक गुड, और इससे पर्सन क्या होते हैं, लुक गुड लुक दिखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कलरफुल क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे कलरफुल क्लॉथ्स इंडिया के दिए गए हैं, अलग अलग सिटी में अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के ड्रेस पहनते हैं। वी नो दैट पीपुल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वियर दे लिव। लुक एट दिस पिक्चर्स, यहाँ पे प्लेस के अकॉर्डिंग लोग ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में दिए गए हैं, दे शो पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये सारे इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ विच ऑफ दिस हैव यू सीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 29 पे, केयरिंग फॉर क्लॉथ्स। अब हमें क्लॉथ्स को कैसे केयर करना चाहिए, आइए जानते हैं। वी ऑल लव ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स, बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। हमें अपने क्लॉथ्स की ब्राइटनेस और कलरफुल सही करने, अच्छे से रखने के लिए हमें उसका टेक केयर करना चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स बाई द फॉलोइंग मैथड। यहाँ पे क्लॉथ्स की कैसे टेक केयर करना चाहिए, यहाँ पे कुछ मैथड दिए गए हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है, क्लॉथ्स शुड बी वॉशेड वेल विथ ए गुड सॉप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वेट डर्ट एंड स्टेंस। हमें अपने क्लॉथ्स के स्वेट डर्ट एंड स्टेंस को निकालने के लिए एक अच्छे डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए, सॉप और डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए। सेकेंड, ए क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन, सनलाइट किल्स द जर्म्स आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ्स आर आयरन। और क्लॉथ्स को हमें सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, जिससे सनलाइट से हमारे क्लॉथ्स के किल्स एंड जर्म्स ख़त्म हो सकें, और उसे ड्राई करने के बाद हमें आयरन करना चाहिए। थर्ड है, उलेन एंड सिल्क क्लॉथ्स नीड ए लॉट ऑफ केयर, और उलेन और सिल्क क्लॉथ्स के तो हमें बहुत ही अलर्ट होकर केयर करना चाहिए उसका। दे नीड टू बी स्टोरेड वेल टू, दे आर ईजली अटैक्ड बाई स्मॉल इंसेक्ट, क्योंकि उलेन और सिल्क कपड़ों पर जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। फोर्थ, व्हेन यू स्टोर वूलन क्लॉथ्स कीप मॉथ बॉल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स। हमें वूलन क्लॉथ्स को रखने के लिए उसमें मॉथ बॉल्स एंड नीम के लीव्स रखने चाहिए, सेफ रखने के लिए। हम इस चैप्टर को रीड एंड एक्सप्लेन किए, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड एंड एक्सप्लेन करिएगा और अपने क्लॉथ्स का टेक केयर करिएगा अच्छे से। आपकी क्लास ओवर होती है, थैंक यू।